हमें इंटीग्रल निकालना है x प्लस वन इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन डी तो गिलेट एक्स प्लस वन इक्वल टू में ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस का बी एक्स प्लस वन इक्वल टू में ए इंटू में यहाँ पर का वन और प्लस का बी एक्स प्लस टू एक्स और प्लस का ए प्लस का बी यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट ठीक है चलिए तो यहां से आ जाएगा टू ए इक्वल टू में वन और ए प्लस बी इक्वल टू में वन यहाँ ए इक्वल टू में वन बाई टू ए का वैल्यू वन बाई टू रख देते हैं प्लस बी इक्वल टू में वन बी का वैल्यू भी यहाँ वन बाई टू आ जाएगा चलिए हमें इंटीग्रल निकालना था इसमें एक्स प्लस का वन इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन डी इस एक्स प्लस वन की जगह पे क्या आ जाएगा ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस का वन और प्लस का बी इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन डी आपको पता है ना ये ये कैसे लिखे हैं ऊपर जो यहाँ एक्स प्लस वन था ना इसके यहाँ ये वाला यूज किया अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू में इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस का वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का वन डी प्लस में बी इंटू में इंटीग्रल ऑफ अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस ए और बी क्या वाले वन बाई टू वन बाई टू है टू एक्स प्लस का वन इंटू में रूट अंडर एक्सक्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन डी एक्स प्लस बी भी वैल्यू वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन डी एक्स चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन को टी इस वाले के लिए बस इसे डिफ्रेंसिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ से टू एक्स प्लस का वन आ जाएगा और यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू में डी टी यहाँ देखिए इसका फैक्टर कर लेना होगा इसके लिए प्लस वन का का फैक्टर स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक बार सब कर देंगे तो यहां से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में यहाँ वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर आ जाएगा यानी कि रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं चलिए अब इसके बाद देखिए वन बाई टू रूट टी और टू एक्स प्लस वन डी एक्स जो है आपका डी टी हो जाएगा प्लस में वन बाई टू इंटीग्रल रूट अंडर इसके जगह ये ले लेंगे एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर डी एक्स यहाँ इसका रूल तो जानते हैं वन बाई टू टी का पावर थ्री बाई टू और बाई में थ्री बाई टू प्लस में वन बाई टू यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ठीक है ना जी तो हो जाएगा यहाँ पर वन बाई टू एक्स रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में रूट अंडर थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर बाई टू यानी रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर और बाई में टू ठीक है ना जी और लॉग लॉग यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू प्लस का रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर ठीक है चलिए और प्लस में सी तो हो जाएगा यहाँ टू से टू कट जाएगा वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू यहाँ अंदर एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप में किया जाएगा वन बाई टू वन बाई टू अंदर हो जाएगा एल्शियम टू टू एक्स प्लस का वन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे x x दे 4, 4 तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन प्लस में यहाँ देखिये थ्री बाई फोर और फोर टू जो एट हो जाएगा थ्री बाई एट थ्री बाई एट हो जाएगा और यहाँ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू है एक्स प्लस वन बाई टू का सॉरी स्क्वायर नहीं एक्स प्लस वन बाई टू है एक्स प्लस वन बाई टू और प्लस में रूट अंडर इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का वन ब्रग और प्लस में सी यानी कि फाइनली आप चाहो तो इसे लिख सकते हो वन बाई थ्री एक्सर प्लस का का पावर थ्री बाई टू चाहो मल्टीप्लाई कर दो या बाहर ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है वन बाई फोर इंटू में टू एक्स प्लस का वन और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन प्लस का थ्री बाई एट लॉग ऑफ एक्स प्लस का वन बाई टू प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन और प्लस सी ये आपका आंसर हो जाएगा समझ गए कोई दिक्कत नहीं चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन